नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा को, तो ढाबा स्टाइल में मटन करी कैसे बनाता है आप हम दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। चलो अब हम चलते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ढाबा गोश्त बनाने पहले ये देख रहे हैं, मैंने मटन यहाँ पर लिया हुआ है, मिनिमम अराउंड 6 से 7 केजी मटन है ये। तो अब हम इस मटन को अच्छा से फास्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए ऐड करते हैं थोड़ा सा सॉल्ट और ये देख रहे हैं टर्मेरिक पाउडर। हम ऐड करेंगे थोड़ा सा डेगी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और ये करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। करेंगे यह दही। तो अब हम इसको अच्छा से मिला लेते हैं। तो आप लोग सेम ऐसा ही मसाला डाल के इसको फास्ट मैरिनेशन कर दीजिए। अब हम इसको अच्छा से भून के इसको बॉईल कर लेते हैं। हवा मटन करी बनाने के लिए पहले हम मटन को थोड़ा सा हल्का बॉईल कर लेंगे। तो उसके लिए आप देख रहे मैंने एक पॉट में ऑयल डाल रहा हूँ। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये होल खड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। देन नेक्स्ट ऐड करेंगे ये ऑनियन। ये ऑनियन ज्यादा ऐड करने का जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा ऑनियन ऐड कीजिए और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं हमारा ऑनियन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये देख रहे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अभी अच्छे से सौते कर लेंगे। इसमें ऐड करने जा रहे ये देख रहे फास्ट मैरिनेशन करके रखा हुआ था मटन। और इसको थोड़ा टाइम अच्छे से टॉस कर इस मटन को। हमें ज्यादा नहीं भूनना है, हम थोड़ा सा भून के अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पानी। आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग पानी ऐड करके जो वाटर है उसमें ऐड करके अच्छा से इसको मैं बॉईल कर लेगा। आप लोगों का पास अगर प्रेशर कुकर हो तो आप लोग सेम ऐसे ही प्रेशर कुकर में बॉईल कर सकते हैं। तो हमारे पास तो अभी प्रेशर कुकर है ही नहीं है, तो इसके लिए मैंने इसको हांडी में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ढाबा में कोई प्रेशर कुकर भी इतना नहीं होता है और वो लोग ऐसे ही मटन को बॉईल करके रखता है। देख रहे जैसा अब हम मटन बॉईल होने का बीच में लगा लेते हैं इसके लिए तड़का। तो तड़का कैसा बनाते हैं चलो आप लोग देखते हैं। और दोस्तों हमारा ये मटन बॉईल हो रहा है, अब हम इसमें डाल देते हैं लीड। तो छोड़ देते हैं इसको मिनिमम आधा घंटा तक इसको बॉईल होने के लिए। तो आधा घंटा का अंदर हम बना लेते हैं इसका तड़का। तो दोस्तों ढाबा गोश्त की तड़का बनाने के लिए ये देख रहे हैं हम लोग पैन में ऐड करते हैं ऑयल। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा ये ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं यह है ऑल खड़ा गरम मसाला, यह है जीरा सीड और ये देख रहे हैं ऑल कोरिएंडर सीड, ये देख रहे हैं गार्लिक चॉप और ये देख रहे हैं ग्रीन चिल्ली चॉप। अब हम इसको अच्छा से रोस्ट कर देंगे। दोस्तों ये जब लाइटली ब्राउन हो जाए तब हम ऐड करेंगे ये देख रहे हैं ऑनियन चॉप। और इसको अच्छा से पके कर देंगे। देख रहे हैं हमारा ऑनियन कैसा सौते हो चुका है।
कैसा लिटिल ब्राउन होने आ गया। तो दोस्तों अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये देख रहे हैं टोमेटो चॉप, और इसको अच्छा से टॉस कर लें। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा टोमेटो लिटिल भी सॉस हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं सॉल्ट। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग मटन बॉईल करते हुए भी हम लोग सॉल्ट ऐड किया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा कम सॉल्ट ऐड करेंगे। तो थोड़ा सॉल्ट, ये थोड़ा चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, और इसको अच्छा से सौते कर लेंगे। तो दोस्तों जैसा हमारा ये मसाला हम लोग टॉस करते हुए, आप लोग थोड़ा स्लो फ्लेम पे मसाला को टॉस कीजिए, और जैसा मसाला ना जले उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाला को अच्छा से कुक करेंगे, ये देख रहे थोड़ा सा। तो दोस्तों जैसा मैंने कुक कर रहा हूँ आप लोग सेम ऐसा ही मेथड फॉलो करके बनाइए, उसके बाद देखिए खाने का स्वाद कैसा आता है। हमारा जो ये ढाबा मटन है तो इसका मसाला ऑलरेडी रेडी हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मटन। तो दोस्तों अब हम देखेंगे हमारा ये मटन कैसा बॉईल हुआ, कितना दूर तक बॉईल हुआ देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हमारा मटन ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है, कैसा आप पता करेंगे, देख रहे हैं ना कैसा मटन का बोन हुआ, उसका मीट से अलग हो चुका है, ये देख रहे हैं। तो ये मीट से अलग होने से मतलब आप लोग को पता चलना चाहिए कि ये मटन अच्छा, बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बॉईल हो चुका है। तो अब हम थोड़ा देखते हैं इसको, वाह बहुत ही सॉफ्ट बॉईल हो चुका है, देख रहे हैं आप लोग बहुत ही मस्त का बॉईल हुआ है। तो अब हम इसको बनाए मसाला के साथ ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इस मसाला के साथ जो हमने बॉईल किया मटन इसमें ऐड कर लेते हैं, दो पांच मिनट के लिए अच्छा से कुक कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जो मेरा सिग्नेचर गरम मसाला है, गरम मसाला पाउडर, और आप ऐड करते हैं थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ सॉल्ट। आप लोग चाहे तो कोरिएंडर रूट डाल सकते हैं, क्योंकि कोरिएंडर रूट डालेंगे तो थोड़ा अच्छा टेस्ट होता है। तो देख रहे दोस्तों हमारा ये मटन का रेडी हो चुका है, अगर आप लोग को और थोड़ा अच्छा टेस्ट होना चाहिए तो आप लोग थोड़ा इसमें घी ऐड कर सकते हैं 1-2 टीस्पून तक। तो दोस्तों देख रहे हमारा ये मटन करी रेडी हो चुका है, कैसा रहा हमारा ये ढाबा करी मटन करी। मैं चाहूंगा आप लोग सेम ऐसा ही रेसिपी फॉलो करके सेम ऐसा ही मटन करी अपना घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के बताइए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और शिव गोपाल के नाम पे एक जोरदार लाइक हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।